एडल्ट्री की लड़के को पास इंफॉर्मेशन आ जाती है या उसको प्रूफ्स मिल जाते हैं एडल्ट्री के, तो ऑब्वियसली वो वाइफ के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो डिवोर्स फाइल करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। दूसरी चीज़, लड़की 1 ईयर क्या 1 डे के बाद भी डीवी फाइल कर सकती है बाय द वे, क्योंकि अगर कोई प्रताड़ित है ना, उसको पेन है तो पेन है। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो तो डेफिनेटली पछताए। शादी से जुड़े हुए जितने भी कानून होते हैं या शादी के बाद जो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं उनसे जुड़े हुए जो कानून होते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, वही सब आज हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट मेघा झा जो मैट्रिमोनियल केसेस को कवर करती हैं। सो वेलकम मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू यान फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि एवरी 3 out of 10 वुमेन इन इंडिया आर द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आजकल इतने ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस असल में होता क्या है, क्या क्या इसमें कवर होता है, किस किस तरह के वायलेंस एक गर्ल के साथ या फिर एक औरत के साथ होते हैं? सो यान बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जिसको हम जो हमारे डीवी को कवर करता है उसको जाने से पहले पहले जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। जैसे आपने पूछा तो डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी लड़की के ऊपर जो एक शादीशुदा है, जो एक हस्बैंड इन लॉज के साथ रह रही है, उसके ऊपर किसी भी तरह का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फिनेंशियल हैरेसमेंट, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। अब इसमें लोग कहेंगे कि मेरे पे हाथ नहीं उठाया तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है? लोग सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल अब्यूज को कवर करता है, बट ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस आपकी हैरेसमेंट किसी भी तरह की हो, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, फिनेंशियल हो। सपोज हस्बैंड पैसे नहीं दे रहा है और हाथ उठा रहा है तो वो वायलेंस है, ऑब्वियसली है, हाथ उठा रहा है और बाकी सब चीज़ें अच्छी है, पैसे दे रहा है, घर में आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट रोज़ आता है और मारना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस है। लाइकवाइज मारता नहीं है, घर पे रखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन खर्चे के पैसे नहीं दे रहा, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कवर होता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बेसिकली 4 major चीज़ों को कवर करता है, फिजिकल अब्यूज, मेंटल हैरेसमेंट, इमोशनल हैरेसमेंट एंड एज वेल एज फिनेंशियल हैरेसमेंट। तो ये मोटा मोटा आपका वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन हो सकता है। इमोशनली और मेंटली मतलब किस तरह, कुछ एग्जांपल के साथ आप शेयर करना चाहोगे, लाइक सेक्सुअली हैरेसमेंट हो रहा है उसका या फिर मतलब कुछ एग्जांपल के साथ शेयर करोगे आप? राइट अयान, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले बताया उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट भी एक पार्ट है। तो अगर मैं आपको फिजिकल वायलेंस, तो सबको पता है कि कोई आया उसने मारा तो फिजिकल अब्यूज हो गया। जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर मेजरली क्या कवर होता है कि एक हस्बैंड एक वाइफ के साथ इनअप्रोप्रिएटली विदाउट हर विल अगर इंटरकोर्स करता है या फिर नंबर मल्टीपल टाइम्स कर रहा है एंड शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद इट, उसको उससे कोई प्लेजर नहीं मिल रहा, रादर उसको पेन मिल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट। नाउ इमोशनल हैरेसमेंट, आपने इमोशनली उसको इतना स्ट्रेस में डाल दिया, आप उसके आसपास एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हो कि वो इमोशनली कंफर्टेबल ही नहीं है, शी इज नॉट हैप्पी लिविंग विद यू और योर फैमिली मेंबर्स, दैट इज इमोशनल स्ट्रेस एंड हैरेसमेंट। फिनेंशियल मैंने आपको बताया पैसा ही नहीं दे रहा खर्चे का, तो वो फिनेंशियल हैरेसमेंट अपने आप में ही हो गया। तो इसको और ये सब अगर आप जोड़ेंगे तो वो मेंटल हैरेसमेंट हो ही गया। एक किसी भी एक औरत अपने आप को किस तरह सेव कर सकती है इस चीज से, कैसे बचा सकती है, वो कहाँ जा सकती है? स्पाउस और एनी फीमेल बींग अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस या बींग अ कंप्लेनेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वो जा सकते हैं CAW सेल में, विच इज़ क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, जो एक महिला थाना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती है। एंड शी कैन ऑल्सो फाइल अ डायरेक्ट केस विच इज़ DV केस इन द कोर्ट। तो DV केस जब वो फाइल करती है तो उसके अंदर सेक्शन 12 से लेकर 29 के अंदर सारी फीमेल्स को सर्टेन रेमेडीज दी गई हैं। उसके अंदर आपकी रेमेडीज आती है जैसे रेजिडेंशियल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर, आपका कस्टडियल राइट्स, आपका एक मेंटेनेंस जो आपका एक खर्चा होता है उसका, एंड देन कॉम्पनसेशन। सो देर आर सर्टेन रेमेडीज गिवन प्रोवाइडेड बाय द लॉ जो आपकी DV एक्ट के अंदर सब कवर होती हैं। CAW सेल में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी वो मीडिएट करने की कोशिश करता है। सबसे अच्छी बात हमारी हिंदू लॉ के बारे में ये है कि हर जगह पर आपको मीडिएशन मिलेगा। आप CAW सेल में जाएंगे, वो भी लड़के को बुलाएंगे, लेडी को बुलाएंगे, दे विल ट्राई टू मीडिएट योर मैटर कि घर बस जाए। लाइकवाइज लड़की अगर DV एक्ट फाइल करती है, वर बैठे मीडिएट, हाँ मीडिएट मतलब समझौता कराना, तो
तो बेसिकली CAW सेल में जो आपको ऑफिसर अलॉट होते हैं वो दोनों पार्टीज को बुलाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, और अगर उनका घर बसने का स्कोप होता है देन दे वुड ट्राई कि आपको बसा लें घर. अगर बिल्कुल भी स्कोप नहीं होता बसने का, अगर लगता है कि नहीं देर इज नो प्रोविजन एंड देर इज नो वे दैट दे कैन सेव देयर हाउस, तो वो वहाँ से उसको उस तरह से प्रोसीड करते हैं. तो वो टर्न होता है या तो म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ या फिर वो DV का FIR फाइल हो जाता है. और लाइकवाइज जैसे मैंने बताया कि अगर कोर्ट में जाती है तो कोर्ट की डिफरेंट रेमेडीज है, और वहाँ पर जाके भी सामने वाली पार्टी जो है कोर्ट को मीडिएशन की रिक्वेस्ट कर सकती है. कोर्ट के अंदर ही ये मीडिएशन सेल्स बने होते हैं जहाँ पर एक मीडिएटर होता है, वो दोनों पार्टीज को बुलाते हैं, उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एंड देन दे ऑल्सो ट्राई टू पैच अप. जैसे मैंने बताया हमारा इंडियन लॉ बहुत मज़ेदार है इस मामले में कि तोड़ने से ज़्यादा ब्रेकअप से ज़्यादा वो पैचअप में बिलीव करता है. तो वो मीडिएटर भी ट्राई करता है कि आप रेस्टिट्यूट कर लीजिए, साथ में रह के देख लो, कुछ कंडीशंस लड़का मान ले, कुछ कंडीशनल साथ में रह के देख लो, कुछ चीज़ें लड़की झुक जाए तो मान के देख लो. तो वो आपको 1-2-3 डेट्स पे मनाने की ही कोशिश करते हैं कि घर बस जाए. बट अगर बिल्कुल नहीं बस रहा तो ऑब्वियसली फिर वो मीडिएशन फेल होती है और कोर्ट में मैटर जो है वो वापस आता है या आप वहाँ से म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं. मैम अगर कोई औरत डीवी का केस लेकर के कोर्ट में जाती है बट फाइनेंशियल कंडीशन उसकी इतनी अच्छी नहीं है और वो लॉयर भी एक हायर नहीं कर सकती, तो वो कैसे केस लड़ सकती है, कैसे फाइट करेगी अपने हक के लिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अयान. इनफैक्ट हर कोर्ट के अंदर लीगल एड अवेलेबल होती है. आप लीगल एड के लिए एप्लीकेशन डालते हैं और कोर्ट इसमें लीगल एड आपको देती है. तो LAC कहते हैं जिसको, लीगल एड काउंसलर आपका कोर्ट जो है आपका जो केस है उसको कंटिन्यू करती है, उसमें आपका कोई एक्सपेंस नहीं लगता है. तो लीगल एड हर कोर्ट में है पॉसिबल, हर केस के अंदर पॉसिबल है, और DV के अंदर तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में तो डेफिनेटली पॉसिबल है. तो आप LAC के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट. सो क्या वो उन एडवोकेट्स की तरह वर्क करते हैं जो जिनको हम हायर करते हैं, या फिर उनका वर्क एकदम डिफरेंट होता है? लाइक एक तो होता है ना कि हम किसी को हायर कर रहे हैं, किसी को पे कर रहे हैं, और जब हम फ्री में कोई चीज़ मिल रही है, तो क्या जो वर्क की वर्क क्वालिटी होती है वो दोनों की सेम होती है या कुछ डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत? अब इसका आंसर ना आई थिंक पर्सन बेस है. जैसे कि मैं लीगल एड हूँ, अगर किसी केस के अंदर आप अपने आप को लीगल एड अप्लाई कर सकते हो. मैं भी काफ़ी सारे केसेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ. उसका ये मतलब नहीं है कि मैं डेडिकेशन से काम नहीं करूँगी. इट डिपेंड्स, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट 99% अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में देखो तो लीगल एड आपके लिए हेल्प करते हैं. क्योंकि देखो रेमेडीज और प्रोविजन तो लॉ में से निकलनी है ना. द लॉयर जस्ट हैव टू प्रेजेंट इट. आपका कोई भी एडवोकेट है, चाहे आप प्राइवेट एडवोकेट लेके आएँ या आप एक लीगल एड से एडवोकेट लाएँ, जो रेमेडीज DV एक्ट के अंदर दी हुई है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है या फिर मेंटेनेंस है, तो वो भी वही डिमांड करेगा, या रेजिडेंशियल राइट है. तो लीगल एड होगा, फ्री का काउंसिल है इसलिए काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है. बट हाँ, यू आर वेरी राइट, लोगों की ये ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि फ्री का काउंसिल है, फ्री का एडवोकेट है, तो शायद इतने कन्विक्शन से काम नहीं करता. ये होता है कि समटाइम दे आर लाइक ओवरबर्डन, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूट होते हैं, PPs होते हैं, दे आर ओवरबर्डन विद वर्क. तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रायोरिटाइज उस चीज़ को ना कर पाए, बट इट विल नॉट बी राइट टू से कि वो उतने डेडिकेशन से काम नहीं करते या करते हैं कि नहीं करते. प्रोविजन है, लॉ में है, आप बिल्कुल जाइए, अवेल करिए, और आई थिंक यू जनरली गेट व्हाट यू लुकिंग फॉर. एक्चुअली मैम कुछ लोगों से हमारी बात हुई, सो उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की कि जो भी लीगल एड्स उनको मिले और या उन्होंने जो पास में उन्होंने किसी वकील के साथ किसी एडवोकेट साथ हायर करके काम किया, तो काफ़ी डिफरेंस मिला. मतलब उतनी डेडिकेशन के साथ उनका जो भी केस है या फिर जो भी वर्क है वो उतना हुआ नहीं. सो ये जो लीगल एड्स होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं या फिर इनको कौन पे करता है या गवर्नमेंट कुछ पे करती है उनको? ये बिल्कुल फ्री होते हैं, आपको इनके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कोर्ट से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है. और दूसरी चीज़ कि कभी भी लीगल एड ये नहीं बोलते कि मैं आपकी डेट पे जा रहा हूँ तो आप मुझे पैसे दो, कभी भी ऐसा नहीं होता. ऑब्वियसली वो लीगल एड हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं. हाँ, कोई क्लाइंट अपनी इच्छा से अगर अपने काउंसिल को खुश होकर, अपने एडवोकेट को खुश होकर दे रहा है, तो उसमें मुझे लगता है किसी को पैसा आता वो बुरा लगता है. बट फ्री है, द आंसर इज येस, फ्री है. दूसरी चीज़, आपका जो दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि लोग हायर करने के बावजूद भी उतने डेडिकेशन से काम नहीं करते, ट्रस्ट मी कि मेरे पास खुद क्लाइंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम हमें ये ही नहीं पता कि हमारे मैटर में हुआ क्या है, हमारी डेट्स कितनी लगी है हमें ये भी नहीं पता. एडवोकेट जाते थे वो अगली डेट बता देते थे, क्या हुआ, कितना हुआ, किस एक्सटेंड में हुआ, हमें नहीं पता. ऑन द अदर हैंड, आई थिंक ये मेरा पर्सनल वो है, हमें सब लॉयर्स को ना एक प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और वो प्रैक्टिस करते करते
मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम समबडी हु रियली अबाइड बाय प्रोफेशनल एथिक्स, तो मुझे लगता है एथिकली मैं अपने पास आने वाले हर क्लाइंट को नॉलेज जरूर दूँ, इफ नथिंग मच उसको इतना एजुकेट करके जरूर भेजूँ कि जब वो बाहर जा रहा है तो उसको कोई बेवकूफ़ ना बनाए. एंड आई एम सॉरी टू यूज़ द लैंग्वेज, बट ये बात सच है कि उसको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए. एंड सेकेंडली कि जब वो अपने खुद के केस में और मैटर में जा रहा है उसको एटलीस्ट इतनी अकल हो कि यार मेरे मैटर में चल क्या रहा है. देखो लीगल लिंगोज और लीगल जो वर्ड्स होते हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे. मैं आपसे चार पांच चीज़ें अपने आपको बड़ा दिखाने के लिए लीगली बोलूँगी, आप कहोगे ये क्या, आपके ऊपर से निकल जाएगा. तो इसलिए लेकिन अगर मैं आपको समझाऊंगी लेमन लैंग्वेज में कि अच्छा देखो ये वर्ड्स हैं, आपका कॉम्पनसेशन बनता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है, थोड़ा बहुत ही मैं आपको एजुकेट करूँगी ना, तो बाकी आप चलते केस में सीख जाओगे. सो दैट इज़ वॉट आई डू यूजली. I make sure that whenever I'm calling my client for my counseling also, I am making them understand कि ये आपके positives हैं, ये negatives हैं, आपके case के अंदर सामने वाला आप पे ये counter कर सकता और ये नहीं कर सकता. हमारा profession ऐसा है ना, आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ पे डरा हुआ बंदा आता है. जिस बंदे को डर है या जो बंदा फंसा हुआ है वही एडवोकेट के पास आता है. और मैंने कहीं से सुना था, कोई सीनियर थे, उन्होंने एक बार बोला कि एडवोकेट के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होता है जब क्लाइंट जो है वो रोता हुआ आए और बोले कि मुझे पैसा देना है बस छुड़वाओ. तो अब आप इसको सोचोगे कि अरे ये तो इनह्यूमन है, कितना इनह्यूमन साउंड कर रहा है कि कोई रोता हुआ आ रहा है और आप कह रहे हो कि अरे वो रोता हुआ आ रहा है, वो खेत बेचने के लिए रेडी है, तो ये मेरा ऐप क्लाइंट है. पर ये बात फैक्ट है, दैट इज अ बिटर ट्रूथ, कि जो मेरे पास आ रहा है वो दुखी ही है, वो पैसा ही देने आ रहा है. वो मुझे दे या किसी और को बाहर जाके दे, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट कोई ना कोई तो उससे पैसा लेगा ना, क्योंकि उसको जरूरत तो है ही, लिटरली जरूरत है, तभी तो वो एडवोकेट के पास आ रहा है. और सेकेंडली स्पेशली फॉर फीमेल्स हु आर होम मेकर्स या वर्किंग भी है, जो डोमेस्टिक वॉयलेंस झेल रही हैं, जिनके साथ सही में कुछ नहीं ठीक हो रहा है, जब मेरे पास कॉल्स आते हैं तो मुझे कई बार लगता है कि अगर इसने 7 साल इतना कुछ झेला है, 15 साल झेला है, 17 साल झेला है, इनफैक्ट 35 ईयर्स तक भी झेला है, बच्चे बड़े हो गए हैं और अब कॉल कर रही है, तो उसने कुछ तो बहुत बुरा हुआ होगा जो उसने इतनी हिम्मत दिखा के दसियों बार सोचने के बाद लॉयर को कॉल किया. एंड व्हेन आई आस्क देम कि आपने इतना लेट क्यों किया, तो वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिनवाती है, बच्चे के चक्कर में रुक गई, फैमिली के चक्कर में रुक गई, इसके चक्कर में रुक गई. एंड वाई नाउ, बिकॉज उसका सैचुरेशन आ चुका है. तो अब आप समझ सकते हैं इससे कि एक्चुअल में आपका जो पहला जहाँ से हम शुरू हुए थे कि 10 में से 3 वुमेन आर एक्चुअली विक्टिम ऑफ डीवी, दे आर, बट हु ऑल आर रेजिंग देयर वॉइस, दैट्स अ क्वेश्चन. तो उसमें आपको फिगर कम मिलेगा. एज यू सेड के एक पर्सन हरा रोता हुआ वो बोल रहा कि वो अपना खेत भी बेच सकता है, बट अगर उसके पास ऑप्शन है कि वो लीगल एड एप्लीकेशन से उसको एक लीगल एड मिल सकता है, तो उसको खेत बेचने की क्या ही जरूरत होगी. माइंडसेट, आपने अभी बोला ना, लोगों को लगता है कि लीगल एड है, फ्री में है तो काम नहीं करेंगे, फ्री का है तो काम अच्छा नहीं होगा. ये माइंड से बड़ी परसेप्शन बनी हुई है लोगों की, और ये बात कहीं ना कहीं अगर एक बैड एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको लगता है कि अरे वाह ये तो मेरे सामने प्रूव भी हो गया, प्रूवन फैक्ट हो गया, इसलिए अब आई थिंक रादर देन गोइंग अहेड विद लीगल एड आई शुड गो फॉर अ प्राइवेट लॉयर. तो ये चीज आती है. So, मतलब और कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो उनकी क्रिटिकलिटी जो बहुत क्रूशियल होते हैं, लाइक आई हैंडल लॉट ऑफ क्रिमिनल केसेस आल्सो, तो वहां पर कुछ कुछ केसेस अपने आप में इतना सीरियस नेचर के होते हैं कि वहां पर उन्हें लगता है कि इट इज बेटर दैट वी गो फॉर अ प्राइवेट लॉयर जो मेरे से पैसा लेके शायद मेरा बहुत अच्छा काम करके देगा. Right. तो ये एक, हाँ ये एक रीजन, दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द एक्चुअल रीजन. ओके, सो अगर लीगल एड्स की मैं बात करूं तो कितना इजी है उसको लेना या फिर एप्लीकेशन के थ्रू हायर? इजी या डिफिकल्ट, इट्स अ कोर्ट प्रोसीजर. ओके, आपको कोर्ट को अप्लाई करना पड़ता है, लीगल एड जो कमेटी बनी होती है वहां पे जाके अप्लाई करना पड़ता है, फिर वहां से आपको लीगल एड मिलते हैं. बहुत बार केसेस में ऐसा होता है कि जब लड़की एक तो बड़ी हिम्मत करने के बाद वो केस कर पाती है, लेकिन केस करने के बाद उसको एक डर रहता है कि उसको घर से ना निकाल दिया जाए, उसके जो इन-लॉज हैं उसको घर से ना निकाल दें, या फिर उसको फाइनेंशियली क्राइसिस ना झेलना पड़े कि पैसे मिलने भी बंद हो जाए. तो उस केस में लड़की क्या कर सकती है, क्या पैसे की डिमांड कर सकती है या फिर घर में रहने की डिमांड कर सकती है कोर्ट के थ्रू? आयान, बेसिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये एक क्वेश्चन के 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं. लड़की घर में रहती है तब डीवी फाइल किया है, या एक्चुअल में लड़की को घर से निकाल दिया गया उसके बाद उसने डीवी फाइल किया है? मेरे पास दोनों तरह के लोग आते हैं. एक ऐसी कैटेगरी जिनको घर से निकाल दिया गया है और फिर वो बाहर निकल के डोमेस्टिक वॉयलेंस का केस फाइल कर रहे हैं,
और 99% लोग, आप अगर एक जनरल देखोगे सिनेरियो में, तो उस घर में रहते हुए कभी भी डीवी का केस फाइल करने की हिम्मत करते नहीं है, ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है। दूसरी चीज़ जो मैंने रेमेडीज़ की बात की थी डोमेस्टिक वायलेंस में, उसमें वन ऑफ द रेमेडी टॉक्स अबाउट रेजिडेंशियल राइट्स। रेजिडेंशियल राइट का मतलब है उसको उसके मैट्रिमोनियल हाउस, जिस घर में वो शादी करके आई है या जिस घर में लास्ट वो हस्बैंड के साथ रिजाइड कर रही थी, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उस घर के अंदर रहने का हक, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडेंशियल राइट। अब सपोज लड़की घर से निकलने के बाद केस फाइल करती है, तो उस केस में वो एक रेंटेड अकोमोडेशन ले सकती है और उसका रेंट जो है वो लड़का पे करता है। रेजिडेंशियल राइट्स भी डीवी के अंदर एक रेमेडी दी गई है उसके लिए। ऑब्वियसली अगर हमें जल्दी चाहिए, मान लो लड़की शिफ्ट कर गई है, उसके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो उसमें फिर हम कोर्ट में अलग से एप्लीकेशन लगा के उसका थोड़ा स्पीडी स्टार्ट कराते हैं, रेंट स्टार्ट हो जाए, एटलीस्ट बिजली का बिल पे करते हैं, मेड का बिल पे करते हैं, तो उस तरह से उसमें हमें इंटरिम हम रिलीफ कोर्ट से ले सकते हैं, कोर्ट ग्रांट करती है इसमें। दूसरी चीज़ जो मॉनिटरी रिलीफ है, जैसे मैंने बताया कि आपको एक मेंटेनेंस का अमाउंट, अपने लॉस ऑफ अर्निंग्स का अमाउंट, या फिर आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ एक पैसा भी इंटरिम में आपका स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज डीवी एक्ट के अलावा आपके पास 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस का अलग से केस होता है जिसको आप फाइल कर सकते हैं, उसमें आपको मेंटेनेंस अच्छी मिलती है। तो आप डीवी एक्ट एक जगह फाइल करते हैं और दूसरी जगह 125 मेंटेनेंस सीआरपीसी के अंदर आप वो भी फाइल कर सकते हैं, अगर आपका होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मेंटेनेंस का अमाउंट अच्छा मिले। अदरवाइज डोमेस्टिक वायलेंस में भी एक प्रोविजन है जहाँ पर आपको खर्चा, आपका एक कुछ अमाउंट जो है वो आपका खर्चा बंद हो जाता है, और फिर कॉम्पनसेशन तो उसका लास्ट रिजॉर्ट है ही, कि जो उसको कॉम्पनसेशन चाहिए वो उसका लास्ट रिजॉर्ट है। उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे स्त्रीधन जैसे हो गया आपका, वो आता है, इन्वॉल्व होता है, और बाकी सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। मैम अगर मेंटेनेंस की बात करें तो एक लड़की को कितना मेंटेनेंस मिल सकता है और वो कब अप्लाई कर सकती है, मतलब किस सिचुएशन में वो मेंटेनेंस के लिए उसका हक होता है कि मेंटेनेंस उसको कब मिल जाए? मेंटेनेंस का हक तो उसके पास शुरू से ही है। अगर वो शादीशुदा घर में रह रही है तो ये तो लड़के का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी बीवी का खर्चा उठाना, इज़न्ट इट? मतलब अगर आपकी शादी हो गई है और आपके साथ आपकी वाइफ रह रही है तो उसका खर्चा उठाना आपकी जिम्मेवारी है। अब आप उसमें बोलते हैं मैं जॉबलेस हुआ, मेरे पापा मेरा खर्चा उठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पापा बीवी का भी खर्चा उठाएंगे। नॉर्मली आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि जैसे केसेस फाइल होते हैं लोग डिसओन कर देते हैं, प्रॉपर्टी से डिसओन कर दिया ताकि हमें मेंटेनेंस ना ज़्यादा देनी पड़े। बट एक्चुअल में अगर आप सिनेरियो देखो तो एक हस्बैंड की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन हिज वाइफ, और उसी के अंडर वो मेंटेनेंस अप्लाई करती है। तो जैसे मैंने बताया, या तो 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस फाइल करेगी या डीवी के अंदर ही इंटरिम मेंटेनेंस कुछ मांगेगी। और वो डिपेंड करता है आपकी इनकम एफिडेविट के ऊपर। लड़की अपना इनकम एफिडेविट देती है, लड़का अपना इनकम एफिडेविट देता है, दोनों के एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, खर्चे, डिपेंडेंट्स, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, वो सब कोर्ट देखने के बाद उसमें आपको एक मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो आपको कोर्ट सेट कर देता है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है आपकी इनकम और आपके, आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और मैं 1.5 करोड़ रुपए कमा रही हूँ, अब आप बताइए मेंटेनेंस कैसे फिक्स होगी? नहीं हो सकती ना। या मान लीजिए आप 1 CR कमा रहे हो और कोर्ट कह देता है कि हमारी प्रोविजन के हिसाब से जी 20,000 ही मेंटेनेंस होनी चाहिए, तो अब आप 20,000 में खुश रहोगे क्या? या बीवी खुश रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी ना। तो इसलिए कोर्ट जो है उसका कैलकुलेशन वो इनकम एफिडेविट के बेसिस पे करती है। इनकम एफिडेविट के अलावा आप 3 ईयर्स की बैंक स्टेटमेंट लगाते हो, ITR लगाते हो, सो आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल दोज थिंग्स कोर्ट हैज टू रीच टू अ बॉलपार्क फिगर। तो वहाँ पर कोर्ट जो है एक फिगर पे पहुँच के वो आपको बोल देती है कि आपका मेंटेनेंस का अमाउंट है जो आपको हर मंथ अपनी वाइफ के लिए पे करना है। उसमें भी सपोज अगर आपके बच्चे हैं और वो बच्चा वाइफ की कस्टडी में है तो फिर उसमें आप बच्चे के एक्सपेंस दिखाते हो, तो कोर्ट इज यूजुअली वेरी मॉडेस्ट फॉर द चिल्ड्रन या चाइल्ड, तो वो बच्चे की मेंटेनेंस आपकी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट है और जॉइंट प्रॉपर्टीज भी हैं कुछ, और डीवी का फाइल जो भी केस फाइल कर दिया है एक औरत ने, तो उसमें क्या उसको डर रहता है एक औरत को कि जो हस्बैंड है वो विड्रॉ ना कर दे, ट्रांजेक्शन ना कर दे जॉइंट अकाउंट से, प्रॉपर्टी सेल आउट ना कर दे, तो उस केस में वो क्या कर सकती है, क्या हेल्प ले सकती है? बिल्कुल, ये वैलिड डर है एक्चुअल में। मेरे पास काफ़ी सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं, बट हाँ एक मैं आपको एक रीसेंट केस बताती हूँ जिसमें जो फीमेल है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे रह रही है, हस्बैंड लेफ्ट द हाउस। अब वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की है, हस्बैंड के नाम पे और उसी की प्रॉपर्टी, और हस्बैंड घर छोड़ के जा चुका है, तो उसमें उसको तो ये डर रह सकता है ना कि क्योंकि प्रॉपर्टी तो हस्बैंड के नाम पे, बट वो बाहर के बाहर प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो इस सिनेरियो में फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वाइफ,
हम लोग इंजंक्शन फाइल करते हैं और स्टे जिसको आप लिटरल टर्म्स में बोलते हो स्टे लगाना, तो उस केस के अंदर हम कोर्ट से ये चीज रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक इसको स्टे मिल जाए, ये प्रॉपर्टी को सेल ना कर सके, उसको रेंट आउट ना कर सके, जॉइंट अकाउंट है तो अकाउंट को इनअप्रोप्रिएटली यूज ना कर पाए, नोबडी एनीबडी कैन डू इट ना. अगर मान लो जॉइंट अकाउंट है और जॉइंट प्रॉपर्टी से, तो वाइफ भी तो बेच सकती है, व्हाई ओनली हस्बैंड, इसको तो वाइफ भी बेच सकती है. तो उस दोनों के पास ये प्रोविजन होती है कि दोनों एक स्टे उस पे लगाएं कि ये जब तक हमारा केस चल रहा है तब तक इसको कोई प्रॉपर्टी को स्पेशली डिस्पोज ऑफ ना कर पाए. और अगर रेंटल इनकम आ रही है ऑलरेडी, मान लो पास से रेंटल इनकम आ रही थी, तो रेंटल इनकम भी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. स्त्री धन की अगर हम बात करें तो स्त्री धन क्या, कुछ बताएंगे स्त्री धन के बारे में? एक बहुत न्यू टर्म है. आप समझ लो स्त्री का धन, स्त्री का धन. अब कहते हैं ना घर में औरतें जो है वो सब अपनी कष्ट, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपके घर में मदर, मेरे घर में मदर, नॉर्मली एक स्टेज के बाद मदर्स डोमिनेट द हाउस. यस, एक होता है सारी सेविंग्स जब चाहिए, जरूरत है, बेटे को चाहिए, हस्बैंड को चाहिए, किसी को भी चाहिए, तो माँ अपने खजाने में से हमेशा पैसा निकाल के दे देती है. गॉड नोज कैसे सेविंग दे, इवन आई एम अ मदर, सो नाउ आई नो उसकी ट्रिक्स क्या होती है, कहाँ कहाँ पैसा रख सकते हैं हस्बैंड से छुपा के या सेविंग्स में से. तो स्त्री धन का मतलब होता है कि शादी के टाइम पे जो आपके पेरेंट्स ने आपको चीजें दी हैं, चाहे वो सोना चढ़ाया है, ज्वेलरी दी है, कपड़े दिए हैं, आपकी हील्स, हैंडबैग्स, जो भी दिया उसने, वो सारा कुछ जो लड़के वालों को लड़की वालों ने चढ़ाया है, जैसे लड़के के लिए नॉर्मली लोग चेन बनवा लेते हैं, रिंग होती है, वॉच देते हैं, वो सब हो गया आपका. इन लॉज को कई लोग इयररिंग्स गिफ्ट करते हैं, रिंग गिफ्ट करते हैं, वो सब स्त्री धन के अंदर आ गया. प्लस जो उसको गिफ्ट्स मिल गए हैं शादी के टाइम पे, मुंह दिखाई आपने सुना होगा, नॉर्मली मुंह दिखाई पे लोग मुंह देखते हैं और देन दे गिफ्ट सम काइंड ऑफ गिफ्ट, कुछ गोल्ड देते हैं, कुछ काइंड देते हैं, कुछ कैश देते हैं, तो वो सारी चीजें वो उस लड़की से बिलोंग करती हैं जिसको हम स्त्री धन की कैटेगरी में लाते हैं. सो इट इंक्लूड्स ऑल द आर्टिकल्स, एवरीथिंग दैट हैज बीन गिवन टू हर बाय हर पेरेंट्स, इवन बाई इन लॉज. इन लॉज ने जो गोल्ड लड़की को चढ़ाया है या जो सामान चढ़ाया है वो भी उसके स्त्रीधन में आता है. लड़के का हक नहीं होता उस चीज में? लड़के का हक होता है ना, जब अब जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लड़के का पूरा हक है, तो लड़की उसकी है तो उसका तो सब चीजों पे हक हो गया. बट अगर कॉन्फ्लिक्ट अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर आ गए हैं या कुछ डिसएग्रीमेंट है, तो ऑब्वियसली वहां पर आप डिवाइड करते हो या वहां पर आप क्वेश्चन करते हो व्हाट इज माय स्त्रीधन. और नॉर्मली म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर ऐसा भी देखा गया मैंने, जहाँ पर जब डिवोर्स होता है तो लड़के वाले जो है वो अपना गोल्ड अपनी साइड रखते हैं और लड़की वाले जो है वो अपना गोल्ड अपनी साइड रखते हैं. मेजरली इसमें गोल्ड में ही कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स देखो, लड़के ने जो लड़की के लिए गाउन बनवाया है, साड़ी बनवाई है, कपड़े बनवाए हैं, कोई भी लड़का या लड़की घर टूटने के बाद उसको सजा के नहीं रखता, और लड़के वालों को नॉर्मली लगता है कि अब हमारे किस काम का, इससे अच्छा ले जाए. तो कपड़ों पर आपका कभी भी बहस नहीं होगी. लाइक वाइज लड़की वालों ने अगर मान लो आपके लिए शेरवानी बनवाई है, तो अगर वो लड़का दे भी देगा शेरवानी का, क्या करोगे आप, उसको डिस्पोज ही करोगे ना. तो उससे अच्छा वो बोलती है कि बेटर दैट यू कीप इट विद योर सेल्फ, तो वो मेमोरीज भी आप साथ में कैरी नहीं करोगे कभी भी. तो बात कहाँ आ जाती है, जहां पर आपका कैश कंपोनेंट होता है और जहां पर आपके आर्टिकल्स ज्वेलरी होती है. आर्टिकल्स में आपका हाउस होल्ड आर्टिकल हो गया, फर्नीचर हो गया, आप वहां पर बहस करते हो. आप कभी भी इस चीज पे, बहुत सारे केसेस है, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र तो हिंदूज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना. लड़का देता है अपनी तरफ से मंगलसूत्र, स्त्री धन के अंदर मंगलसूत्र भी आता है. बहुत लड़कियां बोलती है मुझे सब चाहिए लेकिन मुझे मंगलसूत्र नहीं चाहिए. ऑन द कॉन्ट्ररी लड़के बोलते हैं कि इनको बोलो मेरा मंगलसूत्र वापस करेगी, जब बीवी नहीं है तो मंगलसूत्र क्या करेगी लेके. और मैं कई बार बोलती हूँ कि क्या करोगे, इसको पिघलवाओगे, नई वाली को पहनोगे, करोगे क्या. बट यू नो दे हैव देयर इमोशंस अटैच्ड टू दैट, एंड डेफिनेटली रिस्पेक्ट दोस इमोशंस. तो वही सिनेरियो कि स्त्री धन में आता तो बहुत कुछ है, बट आप क्या डिमांड करना चाहते हो और किस एक्सटेंट तक डिमांड करना चाहते हो या किस मोड पे आपका केस जा रहा है. म्यूचुअल है तो उसकी कंडीशंस अलग होंगी, डीवी के अंदर है तो स्त्री धन इंक्लूड एवरीथिंग, बट उसमें से क्या एडमिट कर रहे हैं लड़के वाले, क्या एडमिट कर रही है लड़की वाले, तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्त्री धन आता है. मैम जितने लॉज के बारे में पढ़ते हैं या फिर मैंने डीवी के बारे में आपसे जाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है या फिर उसी को मेंटेनेंस भी मिलना है या जो भी है, मतलब प्रायोरिटाइज उसी को किया जाता है सबसे ज़्यादा. तो क्या लड़के के लिए भी है कि उसको मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको भी मेंटेनेंस मिल सकता है? मेंटेनेंस अगर एज एन इंडिविजुअली बात करूँ तो मेंटेनेंस जो हमारी बुक्स में लिखा गया है, इट इज
गिवन टू द स्पाउस. स्पाउस का मतलब है हस्बैंड और वाइफ. स्पाउस कवर्स हस्बैंड और वाइफ. कब? जब एक की सैलरी दूसरे की सैलरी से ज्यादा होती है तो उसका, और या फिर उसका लिविंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस है. सो वन इज लायबल टू प्रोवाइड द सेम लिविंग स्टैंडर्ड और सेम अर्निंग का पार्ट टू द अदर वन. अब इसमें चाहे वो वाइफ हो वो स्पाउस, चाहे वो वाइफ जो है वो स्पाउस जो है वो हस्बैंड हो. सो टू मेंटेन द सेम लिविंग स्टैंडर्ड. अब एक लड़का और लड़की, एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे एक लड़की की सैलरी है मान लो 50,000 रुपीज़ और लड़की के 20,000 रुपीज़, तो गैप आपका 30,000 का आ गया. तो लिविंग स्टैंडर्ड का भी गैप वो 30,000 वाला तो रहेगा ही ना. तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस डिसाइड करती है. इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि लड़की की सैलरी लड़के से ज़्यादा है, लड़का इज आस्किंग फॉर मेंटेनेंस, तो उसमें वो लड़के को सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस मिलेगी. पर कितने लोग करते हैं फाइल, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन.